जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताइएगा। ज्येष्ठ अमावस्या और इस दिन आ रही है शनि जयंती, भगवान शनि की जयंती हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे आशीर्वाद लेकर आएगी। भगवान शनि के प्रसन्न होने पर जीवन और बेहतर होता चला जाता है। उनके उपाय, उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे योग निर्माण हो जाते हैं। जीवन पर से शनि की दहिया, साढ़े साथी, महादशा, सबके कुप्रभाव खत्म हो जाते हैं। रोजगार, व्यवसाय, परिवार, वित्त से जुड़ी समस्याओं का समाधान होने लगता है। तो इस बार आप अपनी राशि अनुसार शनि जयंती पर क्या करेंगे उपाय, जान लीजिए। मेष राशि वालों को शनि जयंती पर तिल के तेल का दीपक जलाना है और हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। वृषभ राशि वालों को शनि जयंती के अवसर पर हनुमान जी के मंदिर में जाकर गुड़ और चना भोग लगाना है। मिथुन राशि वालों को शनि चालीसा का पाठ करना है और भगवान शनि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शनि जयंती पर शनि मंदिर में जाकर थोड़ा सा आपको तेल दान कर देना है। मिथुन राशि वालों को शनि जयंती वाले दिन काले चने, तिल और तेल का दान जरूर कर देना है। कर्क राशि वालों को शनि जयंती पर काली चीज़ों का दान करना है और शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको गरीबों को काला वस्त्र जरूर दे देना है। सिंह राशि वालों को इस दिन सुबह सवेरे मंदिर में जाना है और शनि महाराज को प्रणाम करके वहाँ बैठकर दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का पाठ करना है। कन्या राशि वालों को इस दिन अपने हाथ से भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल और सिंदूर को चढ़ा देना है। अगर हो सके तो इस दिन आपको चोला जरूर चढ़वाना चाहिए। तुला राशि वालों को भगवान हनुमान जी की पूजा करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और कुत्तों को रोटी खिलानी है। लोहे के बर्तन का दान भी आप कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों को काले कपड़ों का दान करना है, काले तिल का दान करना है और आपको शनि देव की कृपा प्राप्ति के लिए इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाकर एक दीपक सरसों के तेल का प्रज्वलित कर देना है। धनु राशि वालों को इस दिन सरसों के तेल का दीपक जलाना है लेकिन साथ में पीले वस्त्र धारण करने हैं और उस दिन आपको हल्दी का दान जरूर कर देना है। मकर राशि वालों को इस दिन अपने जीवन से शनि की ढैया या साढ़े साथी, इन सब की समाप्ति के लिए गरीब लोगों को भोजन कराना है। अगर आप गाय को दान कर सकते हैं तो गाय को दान करिए। गाय का दान बहुत बड़ा दान माना जाता है और किसी भी ब्राह्मण को अगर आप गाय का दान कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ी कृपा होती है। अगर आप ना कर पाएँ तो कम से कम गौशाला में जाकर आप गायों के लिए चारा ज़रूर उपलब्ध करा दें। कुंभ राशि वालों को तेल दान करना है, लोहे के बर्तन दान करने हैं, सोना हो सके तो अगर आप किसी पंडित को कर सकते हैं, ब्राह्मण को कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, ये आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाता है। अगर ना कर पाए तो आप गेहूं का दान ज़रूर करिएगा। मीन राशि वालों को इस दिन जाकर हनुमान जी के मंदिर में सात हनुमान चालीसा रख के आनी है, वहाँ पर बैठ कर आपको सुंदरकांड का या बजरंग बाण का पाठ कर लेना है। पीले रंग के वस्त्र अगर आप दान करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दिन बहुत बड़ी अमावस्या भी है तो हम इस दिन अमावस्या के भी कुछ छोटे छोटे उपाय ज़रूर कर लेंगे। जैसे कि आपको अगर काले रंग की चिड़िया मिल जाए तो आपको काले रंग की चिड़िया को ज़रूर दाना खिला देना है। कौवे को आपको चावल खिला देने हैं। अगर इस दिन आप भैरवनाथ जी के मंदिर में जाकर त्रिशूल लगा कर आते हैं या उन्हें अर्पित करके आते हैं तो ऐसा करने से भी आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको निवारण मिलता है। इस दिन अगर आप एक काले कपड़े के अंदर 250 ग्राम काली राई बांधकर पीपल के पेड़ में रखाते हैं तो ऐसा करने से भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अगर आप अपना पहना हुआ पुराना कोई जूता या चप्पल इस दिन चौराहे पर छोड़ाते हैं तो बड़े से बड़े तंत्र मंत्र पर्यंत्र से आपको मुक्ति प्राप्त होती है।
आर्थिक वृद्धि के लिए अगर आज के दिन आप गेहूं दान करते हैं तो आपको इससे बहुत फायदा होता है। काले चने दान करने से भी आज के दिन आपके जीवन में खुशहाली आती है। आज के दिन अगर आप अपने पितरों के नाम से हनुमान जी के मंदिर में जाकर 5 बादाम दान कर देते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आने लगती है। शनिवार की रात्रि में अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे एक तेल का दीपक जलाकर उसके अंदर 7 कील रखकर अपनी मनोकामना बोलकर वहां से आ जाते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन की हर मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। आप ये सारे कार्य ज़रूर करिएगा। आप सब अमावस पर अपने जीवन को और सुखद बनाने के लिए ये छोटे छोटे उपाय करते रहिएगा। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने सारथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए राधे कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।